सो गाइस, जैसा कि आपको पता है गाइस कि इस वाली वीडियो के अंदर गाइस मैंने आपको जो सारे कंट्रोल सेटिंग के बारे में बताया, बट गाइस उस वीडियो में जो है गाइस हमने एक सेटिंग बोले तो जो फर्स्ट नंबर पे है एम प्रिसीजन, इसके बारे में आपको नहीं बताया था और मैंने आपको बोला था कि इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा। ओके, तो आज की इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करेंगे इसी सेटिंग के बारे में। यहाँ पे गाइस आपको जो तीन सेटिंग देखने को मिलता है, एक है गाइस हमारा डिफॉल्ट, दूसरा है गाइस यहाँ पे प्रिसाइज ऑन स्कोप, और तीसरा गाइस यहाँ पे आता हमारा फुल कंट्रोल। ओके, तो हम लोग बात करेंगे इसके यहाँ पे ये जो तीन सेटिंग है इसका क्या काम है, इसका क्या यूज है और हमें इनमें से कौन सा सेटिंग यूज करना चाहिए, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना। इसके अलावा गाइस आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है कंट्रोल सेटिंग वाली, तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जाके उस वीडियो को भी देख सकते हो। ओके, सो गाइस यहाँ पे गाइस सबसे पहले गाइस आता है गाइस डिफॉल्ट। अब गाइस डिफॉल्ट का क्या काम है गाइस मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे गाइस देखो गाइस आपको दो चीज़ें देखने गाइस, एक तो गाइस यहाँ पे आपको मेरा एम देखना है गाइस जो कि वाइट सर्कल है। ओके, आपको उसको देखना है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको देखना है गाइस डीजे एडम को, बोले तो गाइस एनिमी को। ओके, अब गाइस देखो गाइस यहाँ पे क्या है कि जब मैं अपने एम को गाइस यहाँ पे एनिमी के आसपास लाता हूँ तो देखो गाइस यहाँ पे जो मेरा एम है वो रेड हो चुका है, जबकि गाइस ये जो है एनिमी से काफ़ी दूरी पर है। मैं आपको पूरा जूम करके दिखा रहा हूँ, देख सकते हो गाइस यहाँ पे जो मेरा एम है और जो यहाँ पे डीजे एडम है उसके बीच में लगभग काफी अच्छी दूरी है। ओके, अरे कहना क्या चाहते हो, बट फिर भी गाइस ये जो रेड हो चुका है और जब हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे गाइस फायर पे तो देखो गाइस ये जो सीधा जाकर चिपकता है गाइस एनिमी के बॉडी से, जबकि गाइस यहाँ पे मेरा एम जो था गाइस यहाँ पे है और गाइस एनिमी जो है वो यहाँ पे है, बट गाइस यहाँ पे रहने के बावजूद भी जब मैं क्लिक करूंगा फायर पे तो ये खुद ब खुद जाके गाइस यहाँ पे चिपकता है एनिमी के बॉडी से। ओके, अब गाइस यहाँ पे जब हम लोग स्कोप पे क्लिक करते हैं देखो गाइस यहाँ पे मेरा एम गाइस यहाँ पे है। ओके, एनिमी से आसपास है बट रेड हो चुका है, लेकिन गाइस यहाँ पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे स्कोप पे तो देख सकते हो गाइस ये जो खुद ब खुद जाके चिपक रहा है एनिमी के बॉडी से, जबकि गाइस मेरा जो एम है गाइस यहाँ पे है और एनिमी यहाँ पे है और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा गाइस यहाँ पे स्कोप पे तो देख सकते हो गाइस ये जो खुद ब खुद जाके चिपक रहा है एनिमी के बॉडी से। मतलब गाइस यहाँ पे क्या है कि जब आप लोग रहोगे डिफॉल्ट पे तो आपका जो गाइस एम होता है वो एनिमी के आसपास रहेगा, तो खुद ब खुद जाके वो जो है एनिमी के बॉडी से चिपक जाएगा जब आप लोग फायरिंग करोगे। ओके, जैसा कि आपने देखा गाइस यहाँ पे स्कोप पे भी और बिना स्कोप के तब भी। ओके, अब गाइस बात करते हैं गाइस कि यहाँ पे जो हम लोग क्लिक कर देते हैं एम प्रिसाइज ऑन स्कोप पे तो क्या होता है। यहाँ पे गाइस जब हम लोग क्लिक करते हैं गाइस प्रिसाइज ऑन स्कोप पे तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे क्या होगा कि जब हम लोग बिना स्कोप के फायरिंग करेंगे, देखो गाइस यहाँ पे जब मेरा एम गाइस काफ़ी दूर है एनिमी से और गाइस यहाँ पे मैं बिना स्कोप के फायर कर रहा हूँ तो वो जो गाइस एम है वो खुद ब खुद जाकर चिपक रहा है, मतलब कि जैसे डिफॉल्ट में था ठीक उसी तरह चिपक रहा। ओके, लेकिन गाइस यहाँ पे जब हम लोग स्कोप से करेंगे, देखो गाइस यहाँ पे मैंने स्कोप ओपन कर दिया और गाइस यहाँ पे जो मेरा एम है वो एनिमी से काफ़ी दूर है, बट गाइस यहाँ पे जब मैं स्कोप पे क्लिक करूँगा तो वो गाइस यहाँ पे जो है एनिमी के बॉडी पे जाके नहीं चिपक रहा बल्कि गाइस जहाँ पे मेरा एम था वहीं पे चिपक रहा है। ओके, देख सकते हो गाइस यहाँ पे मैं एकदम जूम में दिखाता हूँ गाइस, यहाँ पे देखो काफ़ी जूम है गाइस, बट फिर भी देखना गाइस यहाँ पे जो है एनिमी के बॉडी से नहीं चिपक रहा। मतलब गाइस यहाँ पे क्या है कि जब आप लोग प्रिसाइज ऑन स्कोप पे रहोगे तो जब आप लोग बिना स्कोप के फायरिंग करोगे तब आपका जो एम है वो खुद ब खुद एनिमी पे चिपकेगा, लेकिन जब आप लोग स्कोप से फायरिंग करोगे तब जो है आपका एम स्कोप से नहीं चिपकेगा। ओके, अब आप लोग बोलोगे भाई ये तो बेकार सेटिंग है, लेकिन ये बेकार सेटिंग नहीं है, इसका भी यूज है वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, ओके, सो गाइस यहाँ पे गाइस डिफॉल्ट और गाइस प्रिसाइज ऑन स्कोप पे क्या होता है ये तो गाइस आपने देख लिया। अब गाइस यहाँ पे जब हम लोग क्लिक कर देंगे फुल कंट्रोल पे तब क्या होता है गाइस ये हमें देखना। ओके, तो देखो गाइस यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया गाइस फुल कंट्रोल पे। अब गाइस यहाँ पे क्या है कि देखो गाइस यहाँ पे जब मैं एनिमी के बॉडी के आसपास एम को ला रहा हूँ बट गाइस ये जो रेड नहीं हो रहा और गाइस यहाँ पे मैं फायर करता हूँ फिर भी गाइस ये जो है एनिमी के बॉडी से नहीं चिपक रहा। ओके, यहाँ पे गाइस मैं आपको पूरा पास जाकर दिखाऊंगा, देखो गाइस यहाँ पे जो एनिमी का डीजे एडम यहाँ पे खड़ा है। ओके, और गाइस यहाँ पे देखो गाइस इसके कान के पास गाइस मैं मारूंगा बट फिर भी गाइस ये जो है एनिमी पे नहीं चिपक रहा, मतलब कि डैमेज नहीं पड़ रहा जबकि बहुत ही इसके करीब है। ओके, अब गाइस यहाँ पे हम लोग स्कोप पे क्लिक करते हैं, देखो गाइस यहाँ पे जब मैं स्कोप ओपन कर रहा हूँ तब भी गाइस यहाँ पे जो वो एनिमी के बॉडी से नहीं चिपक रहा। देखो गाइस यहाँ पे मैं आपको पूरा जूम करके दिखाऊंगा, देख सकते हो गाइस एकदम थोड़ा सा गाइस यहाँ पे फासला है बट फिर भी गाइस वो जो नहीं चिपक रहा। ओके, मतलब गाइस यहाँ पे क्या है कि जब आप लोग रहोगे डिफॉल्ट पे तो आपका जो एम है वो एनिमी के बॉडी से खुद ब खुद चिपकता है, चाहे आप लोग स्कोप से फायरिंग करो या फिर बिना स्कोप के फायरिंग करो। ओके, लेकिन गाइस जब आप लोग रहोगे यहाँ पे प्रिसाइज ऑन स्कोप पे तब गाइस क्या होगा कि आप लोग बिना स्कोप के फायरिंग करोगे तो आपका जो एम है वो खुद ब खुद एनिमी के बॉडी से चिपकेगा, लेकिन गाइस यहाँ पे जब आप लोग रहोगे फुल कंट्रोल पे तो आपका जो एम है वो एनिमी के बॉडी से नहीं चिपकेगा, चाहे आप लोग स्कोप से फायरिंग करो या फिर बिना स्कोप के फायरिंग करो। ओके, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। सो गाइस यहाँ पे गाइस इन तीनों का क्या काम है गाइस वो तो मैंने आपको बता दिया। अब गाइस बात करते हैं गाइस कि इन तीनों में से सबसे बेस्ट कौन है और हमें क्या रखना चाहिए। ओके, तो गाइस यहाँ पे बात करें गाइस फुल कंट्रोल का, तो अभी फिलहाल गाइस फ्री फायर के अंदर जो है फुल कंट्रोल का कोई काम नहीं है,
मतलब कैसे यहाँ पे जो फुल कंट्रोल कैसे वो बेकार है, आपको फुल कंट्रोल पे नहीं रहना ओके। अब कैसे यहाँ पे जो प्रीसाइज अनस्कोप आता है, इसका एक फ़ायदा ये है कि जब आप लोग यहाँ पे देखोगे मैं क्लिक कर देता हूँ प्रीसाइज अनस्कोप पे, तो कैसे यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग डिफॉल्ट पे रहते हैं तो जो हमारा एम है स्कोप पे वो जो है कैसे चिपकता है एनिमी के बॉडी से ओके, मतलब कि एनिमी के बॉडी पे चिपकता है। लेकिन कैसे यहाँ पे जब आप लोग अगर रखोगे प्रीसाइज अनस्कोप पे तो कैसे वहाँ पे क्या होगा कि आप जो है एम करके मार सकते हो सीधा बंदे को हेड ओके। लेकिन कैसे यहाँ पे सीधा हेड मारने में कैसे इतना आसान नहीं है, बल्कि कैसे आपको जो है उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। लेकिन कैसे मैं आपको बोलूँगा इससे अच्छा कैसे ये है कि आप लोग यहाँ पे करो डिफॉल्ट, यहाँ पे कैसे जो डिफॉल्ट है कैसे वो सबसे बेस्ट है ओके। डिफॉल्ट पे कैसे क्या होगा कि आप लोग जब बिना स्कोप का फायरिंग करोगे तो एनिमी के बॉडी से चिपकेगा, और दूसरी बात कैसे जब आप लोग स्कोप से फायरिंग करोगे फिर भी चिपकेगा। और अगर आपको स्कोप से हेड मारना है तो सिंपल सा कैसे आप लोग थोड़ा सा डायरेक्ट मारना सीख जाओ, मतलब कि स्कोप पे डायरेक्ट करो तो आपका जो यहाँ से भी हेड लग जाएगा ओके। तो कैसे यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा सबसे बेस्ट कैसे यहाँ पे हमारा डिफॉल्ट है, और आपको जो है डिफॉल्ट पे ही खेलना है। कुछ लोग कैसे यहाँ पे प्रीसाइज और स्कोप पे भी खेलते हैं, ज़्यादातर कैसे जो पीसी प्लेयर होते हैं वो लोग खेलते हैं, बट कैसे मैं आपको बोलूँगा आप लोग डिफॉल्ट पे ही खेलो और कैसे यहाँ पे ड्रैग वगैरह मारो, आपका जो गेम प्ले काफ़ी ओपी चलेगा ओके। तो आई होप कि कैसे यहाँ पे जो आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। इसके अलावा कैसे बाकी के जो कंट्रोल सेटिंग है उसके बारे में मैंने इस वाली वीडियो में बता रखी है, जो कि कैसे आपको लेफ्ट साइड पे देखने को मिल रहा होगी। आप लोग सिंपल से उस पर क्लिक करो और जाके पूरी वीडियो देख लो। इसके अलावा कैसे नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। आई होप कि कैसे आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करो। तो आज हम मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय, टेक केयर।